नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों पर आज भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या हैं, इसके आधार पर ही तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी करती हैं। और तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। हम आज के पेट्रोल डीजल के नए दाम जाने उससे पहले आपको तेल कंपनी सरकार का पेट्रोल डीजल पे खेल समझा देते हैं। बता दें, 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे और सरकार बनी थी बीजेपी की। उस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ी थी, लेकिन चुनावों के मद्देनजर सरकार और तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। आपको बता दें, 22 मार्च 2022 से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि तेल कंपनियों का कहना था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो जाने की वजह से हमें काफी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, 15 दिन के अंदर अंदर ही पेट्रोल डीजल दोनों ही 10-10 रुपए तक महंगे हो गए थे। और आखिरी बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम 6 अप्रैल 2022 को बढ़ाए थे, और उसके बाद से आज तक तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों पर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि आपको बता दें, 21 मई 2022 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले अपने टैक्स पर कटौती की थी, जिसके बाद पेट्रोल 10 रुपए और डीजल करीब 7 रुपए तक सस्ता हो गया था, जिसके बाद आम आदमी को कुछ राहत मिली थी। हालांकि आपको बता दें, उससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेल कंपनियों ने 10-10 रुपए तक बढ़ा दी थी। अब आप यहां पर गौर ये फरमाइए कि उस टाइम पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले अपने टैक्स पर कटौती की थी, और उसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई थी, लेकिन तेल कंपनियों ने उस टाइम पर पेट्रोल डीजल की कीमतें 10-10 रुपए तक बढ़ा दी थी। तो तेल कंपनियों का अब ये कहना कि उनको नुकसान का सामना करना पड़ा था, तो वो ऐसा कैसे कह सकती हैं, जबकि इस टाइम पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर अब लगातार गिरावट देखी जा रही है। आपको बता दें, मार्च 2022 में कच्चे तेल के एक बैरल की कीमत $130 से भी ऊपर निकल गई थी। उस टाइम पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना लाजमी था, क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो घरेलू स्तर पर भी पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ जाती हैं, और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। और गैस सिलेंडर की कीमतें और पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी, लेकिन अब आपको बता दें, कच्चे तेल के एक बैरल की कीमत $70 से भी नीचे आ चुकी है। कायदे में पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर पर बड़ी गिरावट हो जानी चाहिए, लेकिन तेल कंपनियां और सरकार जनता को राहत देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। शायद पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर पर लगने वाले टैक्स की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था संभली हुई, जिसकी वजह से सरकार और तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें कम नहीं कर रही है, जबकि महंगाई के मोर्चे पे आम जनता इस टाइम पर काफी ज्यादा परेशान है, और उन्हें अपना घर चलाने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तीनों ही सरकारी तेल कंपनियां हैं और केंद्र सरकार के अंडर में ही आती हैं। अगर सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करती है, तब तो इसका क्रेडिट खुद लेती है, लेकिन जब पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती है, तो इसका ठीकरा तेल कंपनियों के ऊपर फोड़ दिया जाता है, जबकि केंद्र सरकार खुद इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।